तो ये मरने वरने का ड्रामा ना ये मेरे सामने मत करना। करना अपनी प्यारी सास और ससुर के सामने ड्रामा करती है। मर जाऊंगी मैं। रुकिए, नाटक क्यों कर रहे हैं आप और क्या छुपाना चाहते हैं? क्या बकवास कर रही है? कौन क्या छुपा रहा है? आप छुपा रहे हैं अपना असली चेहरा। नाटक कर रहे हैं ना, बदतमीज होने का, लापरवाह होने का, बेफिक्र होने का। आप ऐसे हैं नहीं। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ? हाँ, क्योंकि आपका असली चेहरा देखा है मैंने, वो भी दो दो बार। कल जब आपने वर्षा को बचाया, अपनी लावनी डांसर को, और एक आज जब शिखा मैम की परवाह कर रहे थे। शिखा के बारे में तुझे नजर रख रही है मुझ पे? हाँ, क्योंकि मैं शिखा मैम को, आपकी आई को और आपके भाई को तकलीफ में नहीं देख सकती, और इस वक्त हर कोई बहुत तकलीफ में। तकलीफ में नहीं देख सकती आई को, तकलीफ में नहीं देख सकती। वही आई जो तेरे बजाय उस भार वाली रीवा मराठे को इस घर की बहू मानती है, जजूरी के मंदिर ले गई उसे। मेरे भाई को तकलीफ में नहीं देख सकती। वही भाई जो अपने दिल की बात अपनी पत्नी के बजाय भार वाली रीवा मराठे से करने में कंफर्टेबल होता है। सबकी परवाह है तुझे, क्यों? जबकि तेरी परवाह कोई नहीं करता, किसी को नहीं पड़ी, लेकिन तुझे सबकी परवाह है। अरे क्यों मत्था मार रही है अपना? देख जीतू ने सब बता दिया है मुझे, तू इस घर में कुछ दिन की मेहमान है, क्यों खाली पीले मगजमारी कर रही है? इंसानियत के नाते, इंसानियत, ये इंसानियत फिंसानियत गई तेल लेने। हम किसी के लिए कुछ करते हैं क्योंकि उसकी परवाह करते हैं, और तुझे देख के लगता है कि तू इस घर में सबकी परवाह करती है, खासकर अपने ईशान सर की। ए कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुझे उससे? मैं भी तो वही कह रही हूं, हम किसी के लिए कुछ तभी करते हैं जब उनकी परवाह करते हैं। तभी तो आप शिखा मैम की परवाह कर रहे थे, उन्हें डांट रहे थे, उनके लिए चाय ले गए। कहीं आपको तो प्यार व्यार नहीं हुआ? आप दोनों के रिश्ते में अभी भी एक उम्मीद बाकी, आपके रिश्ते ने दम नहीं तोड़ा, और वो पग फेरे वाली बात वो आज भी काम कर गई। मतलब याद है आपने मुझे बताया था कि पग फेरे से पहले आपके सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो चिन्मय दादा आपके लिए चाय लेकर आए थे। आज मैंने वही झूठ बोला और वो काम कर गया। सही कहते हैं लोग, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो जल्द से जल्द उसे बता देना चाहिए। क्या पता जिंदगी में ये मौका दोबारा मिले या ना मिले। दिल की सुन, और फिर जब तुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा ना, तब जाकर ईशान सर से कह देना कि तुझे उनसे प्यार हो गया है।